Okay. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Yeah. So today's session is a very important session, और बहुत powerful session होने वाला है, because आज की जो केस है, जो आज का प्रेजेंटेशन है, इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. You learn lot of from this case regarding to case taking, rubrics, selection of rubrics, miasm, organon also. So the case, second case, okay. इसके पहले हमने केस लिए थे लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रॉनिकस की. नाउ इट इज सेकंड केस. सो वी स्टार्ट विद द ट्रिब्यूट टू डॉक्टर हनीमन सर. अवर गुरु mentor Dr. Vijaykar sir, and now the case, mental illnesses. So schizophrenia, it is a one-sided disease, mental illness. So in this case, where the paucity of symptoms we find, in this case, how to proceed, how to take the case, how to analyze, how to understand the case, which question should we ask? Yes, ये सब चीजें important होती हैं mental illnesses में, क्योंकि वहां बहुत ही कम symptoms हमें मिलते हैं और बहुत ज्यादा symptoms मिलते हैं disease symptoms. तो ऐसे केस में किस टाइप के symptoms को importance देना, what is to be cured and what not to be cured. तो हमें समझना पड़ता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं, कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन से नहीं, क्योंकि सभी सिम्टम सरी के होते हैं, सभी मोस्ट ऑफ द डिजीज सिम्टम्स पेशेंट बोलते हैं, लेकिन ऐसे केसेस में किस सिम्टम को हमें इंपॉर्टेंस देना है, आज हम यहां सीखेंगे. So the case of schizophrenia, this is patient, age 20 years, female. First, I will show you the video. आपको स्क्रीन दिख रही है? नो सर. ओके. नो सर. ओके. नो सर. थैंक यू. साउंड का भी मुझे बोलना आता है नहीं. अभी स्क्रीन दिख रही है? यस सर. यस सर. यस. ओके. पहले साउंड कंफर्म कर लेते हैं. हम साउंड आया आपको? नहीं, साउंड नहीं आ रहा सर. साउंड नहीं? नहीं सर. पॉज है ना वीडियो. ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए. Okay. सोबत चला नाही तर मम्मी एकटीच जाते म्हणजे पुढे बाहेर गेले की संडासला गेली संडास परत नाही ते चालले येते संडास झाले म्हणजे जायचं वापस यायचं. अभि
कितने डॉक्टर्स हैं जिनको मराठी नहीं समझ में आएगी? सर नहीं, हमको नहीं आता। ओके, तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, तो जी सर। दिस इज लेडी 21 इयर्स ओल्ड, और जो डिक्टेट कर रहा है वो उसका भाई है, हर ब्रदर। और वो क्या बता रहा है? चावा घेने तोड़ फोड़ करने का ही विचार कर, जब विचार करते रड़ते देवा। सी हैज टेंडेंसी टू बाइट, थ्रोस द थिंग्स। मुझे जस्त करते गाँव मंदिर है तो मम्मी चलने मंदिर और सुबह चला नहीं तो मम्मी एक टिज जाते मैं पूरे बाहर के। कंटिन्यूअस वर्शिपिंग द गॉड कंटिन्यूअसली एंड वॉन्डरिंग ऑल ओवर द हर विलेज, हर जगह वैसी ही निकल जाती है, कभी पूछती नहीं कभी बताती नहीं, कहीं पे भी निकल जाती है, रात रात भर बाहर होती है। जो खेड़ों में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये 2006 की केस है, उस वक्त मोस्टली हर किसी के यहाँ, क्योंकि ये खेड़े की पेशेंट है तो हर किसी के यहाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं होते थे, तो ये बाहर लैट्रिन के लिए जाती थी, वहां बैठती थी बहुत देर तक और वैसी वापस आती थी। इसके जो ननद होती है उसके बारे में बात कर रही है, उसके बारे में उसका कुछ बता रही है कि ये उसकी बहुत सेवा करती थी, उसको सब उसके काम करती थी, उसको खाना परोस के देना, लेकिन उसकी जो ननद थी वो दूसरों के पास इसकी बदनामी करती थी कि ये मेरा कुछ भी नहीं करती, मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती। मी त्रास देत नाही, मी माझ्या आई पेक्षा ननदला प्रेम देतो, बहिणी बहिणी राहलो। मैंने उससे उसको बहुत प्यार दिया, उसकी बहुत केयर की, है ना, जितनी केयर मैंने मेरे माँ की भी नहीं की। ती पण बहीण सारखी राहिली, तिने मला त्रास दिला नाही, पण तीच काय करणार माझं। हम दोनों बहनों के जैसा रहते थे। नंदी श्री कृष्ण पद्म माझे श्री कृष्ण है। अब देखो इसकी गाड़ी सरक गई, अब इसका जो टॉकिंग है वो पूरा आउट ऑफ कंट्रोल इरेशनल टॉकिंग है, जो मीनिंगलेस टॉकिंग। अब ये थोड़ा कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होगा। श्री कृष्ण धावून आला मला बचवण्यासाठी, माझ्याकडे मूर्ती आहे श्री कृष्णाची, तुमच्याजवळ आहे ना, हीच मूर्ती चालेल गजानन बाबाची, फक्त सोपीनाथ महाराज दर्शन पाहिजे, एकच देव सोपीनाथ महाराज, त्यांनाच मानते मी, देव एकच आहे ना, झालं माझं बोलून। शेतीला बाई कोण आहे? नाग नागरची बाबा, सैलानी बाबा, शकीला नाग, मी त्यातलीच आहे, माझा जोडा आहे शकीला नाग, नाग नागिन, माझी आई दुर्गा देवी, मी कलंका देवी, हा माझा भाऊ समाधान, याचं मन समाधान आहे, माझा याच्यावर विश्वास आहे, रामावर विश्वास नाही, कारण रामाची इच्छा पूर्ण झाली का? नाही, सीतेने 14 वर्ष वनवास झाला, रामाची इच्छा पूर्ण झाली नाही, मी रामाची इच्छा कधीच पूर्ण करणार नाही, याची इच्छा पूर्ण करे, हा माझा भाऊ समाधान, माझे पती गोपाल, मी आहे वंदनीय माता, माझे पती गोपाल, ऋषीदेव, तुम्ही तुमचं नाव सांगता मला? सत्का सहदेव, तुम्ही सहदेव, रामचंद, रामचंद बाबा वजेगावचे, रामचंद बाबा युरेना आहेत भोई समाजचे, वानखडे, हे वानखडे माझे काका, वानखडे माझा काका आहेत ना, वानखडे काका, त्यांचा मुलगा गजानन बाबाचे पूजा आहे त्याची, हे गजानन बाबा आहेत, सहदेव हे माझे देव म्हणजे महान देव, सहदेव आहेत ना हे, सह देव हा समाधान, ह काय हटकेश्वर, हा सहदेव आहे हटकेश्वर, हे सह देव
हा देव आहे की नाही? सहदेव हा माझा देव आहे. हे रामचंद्र बाबा वजे गावचे रामचंद महाराज वानखरे हे माझे काका बाबन वानखरे हे शेगावला राहतात. त्यांचा मुलगा त्याच्याजवळून मी गजानन महाराजची मूर्ती विकत घेतली. तो माझा भाऊ आहे. हा माझा भाऊ आहे. ओके, दिस इज अ शॉर्ट क्लिप. तो क्या समझ में आया इसमें से? रिलीजियस टॉक. ओके, रिलीजियस टॉकिंग है ना. लोकेशियस टॉकिंग. लोकेशियस टॉकिंग गॉड समझते हैं. Some kind of philosophy she is talking. Philosopher's matter. Location matter. Location is an important matter. Locality and unimportant matter. Okay. Or excuse me, sir. Isme cause just sora jo hai sir. Sa nana badna nahi karte. सर मग सोरा आपण फाइंड आउट करू शकतो म्हणजे ते जे ननद जे आहे ती तिची बदनामी करताय माझी वहिनी मला त्रास देते हे ते वगैरे त्याच्यात डीपली जाऊ शकतो का सर आणखी? हा जाऊ शकतो ना. कुठल्याही त्याच्यानंतर तुम्ही म्हटले सर त्याच्यानंतर तिचा ट्रॅक चेंज झाला काही काही असं नाही का बोलायला लागले. तुम्ही कुठल्याही पॉइंटवर डीप मध्ये जाऊ शकता परंतु तेव्हा डीप मध्ये जाण्याची तिची कंडिशन होते का? नाही 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 सर. हा चेंज हा मला वाटतं फिनोटाइप लागेल स्टार्टिंगला. येस. तर मी सिंपल क्वेश्चन केला होता की या केस मधनं तुम्हाला म्हणजे या व्हिडिओ मधनं तुम्हाला काय कळलं. सर्वांनी मला रुब्रिक सांगितलं. मी ऍक्च्युली रुब्रिक विचारलेच नव्हते. तुम्हाला काय कळलं या केस मधून की केस कशी आहे? सिझोफ्रेनिया. सिझोफ्रेनिया आहे. ओके, अजून लेस सिम्पटम्स आहेत म्हणजे कमी सिम्पटम्स काही असं ठळक भेटलेलं नाही. और मेंटल बिहेवियर सर. हिस्टेरिकल बिहेवियर. मेंटल डिसीज. मेंटल डिसीज. ओके. So she's kind of disconnected, you know, like yeah, she's just relating the things from here and there. She's relating the things. Yes. She's not in her sense. Evada karta talking also not related. Ha. Changing the subjects. Exactly. Okay. So hum pehle history dekh lete. Okay. History. This patient was brought by her brother during the camp on mental diseases at my clinic. She was under treatment of psychiatrics since 1 year. Yes, please apne aap ko mute rakhiye sabhi log. Thank you. So she belongs to poor family and was field laborer. She married in a medium class family before 1.5 years. डेढ़ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, right? But since 1 year, she was living with her father as her husband did not accept it due to her mental illness. मतलब डेढ़ साल पहले शादी हुई और एक साल से वो पेरेंट्स की है ही है. Because of his
मेंटल इलनेस और उसका हस्बैंड कहता है कि नहीं मुझे इसे नहीं रखना. आफ्टर मैरिज शी वॉज वेरी हैप्पी बट वन डे हर सिस्टर इन लॉ क्वारल्ड विथ हर एंड सिंस देन शी यूज्ड टू हेट सिस्टर इन लॉ एंड वॉज विथ रिवेंजफुल एटीट्यूड. She was in delusion that her sister-in-law is very jealous with her and do not like her. This problem was increased and subsequently she was thinking that everybody is having jealousy with me. Her talking increased, which was baseless, without subject. Without any cause, and her language was abusive, cursing with increased anger. Day by day, she became violent and was breaking the things or laughing involuntarily and sometimes weeping continuously whole day. She was going to temple and was sitting there for full day or going out of house and was wander full day. No sense of appetite, thirst, sleep, hot and cold. Sometimes she was eating voraciously, however, sometimes she was not eating anything at all. Whole night she was not sleeping but was continuously talking alone. This was increased during moon phases. So this was the history and past history: dermatitis in childhood, recurrent cold coryza and cough, sometimes gastritis, pain in abdomen. It may be due to acidity, backache and leukorrhea after marriage. So see the journey of disease: sora to syphilis. Father history, father no any chronic disease, mother rheumatism, and brother was healthy. So analysis of this case. Schizophrenia, it is one-sided disease, like obsessive compulsive disorder. Yes. And maniac depression, as there are very few symptoms. So, जो भी mental diseases है, one-sided disease है, इसमें हमें बहुत ही कम symptoms मिलते हैं. और जितनी history मिलेगी, जितने symptoms मिलेगी, उस base पे हमें prescribe करना होता है. तो ये जो condition होती है, जहाँ हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हमें result देना है. जहां अंडरस्टैंडिंग हमारे भी बहुत कम होती है क्योंकि हिस्ट्री प्रॉपर नहीं मिलती और हिस्ट्री में वही सिम्टम्स मिलेंगे जो प्रेजेंट होते हैं. पेशेंट के रिलेटिव्स भी वही हिस्ट्री देंगे जो अभी अभी वो देख रहे हैं. तो ऐसे केसेस में किस तरह से उस केस को अंडरस्टैंड करना, उसको एनालाइज करना, रूब्रिक सिलेक्शन करना और बाद में medicine prescription. So Dr. Hahnemann has said about these cases in aphorism 173, the only disease that seem to have but few symptoms and on that account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided, because they display only one or two principal symptoms which obscure almost all others. Yes, they belong chiefly to the class of chronic diseases, both mental and physical level. तो ऐसे केसेस में डॉक्टर हहनेमन ने कहा है कि बहुत ही कम सिम्टम्स हमें मिलेंगे और उसी बेस पे हमें प्रिस्क्राइब करना है. ओनली वन और टू सिम्टम प्रिंसिपल सिम्टम्स हमें मिलेंगे. तो वो प्रिंसिपल सिम्टम्स अगर हमारे नजर से निकल गया तो केस बिकम difficult. So how to go about in such cases?
in aphorism 210, Dr. Hahnemann said the one-sided disease appear to be more difficult to cure in consequences of this one-sidedness. All their other morbid symptoms disappearing, as it were, before the single great prominent symptom of this character are what are termed mental diseases. So in all cases of disease, the state of patient's disposition, listen properly, the state of patient's disposition is to be particularly noted along with the totality of symptoms. तो जितने भी वन साइडेड डिजीज होते हैं, मेंटल डिजीजेज होते हैं, उनमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात को देना है, द स्टेट ऑफ पेशेंट्स डिस्पोजिशन. तो 210 का एफोरिज्म 210 का कितना इंपॉर्टेंस हमारे ऑर्गेनन में है, जिसके बेस पे, जिसके ऊपर पूरा मेंटल डिजीज का ट्रीटमेंट है. सो स्टेट ऑफ पेशेंट्स डिस्पोजिशन, अब हमें ये स्टेट ऑफ पेशेंट्स डिस्पोजिशन ये निकलना इन केसेस में कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितना डिफिकल्ट होता है ना. सर ने तो बोल के चले गए, लेकिन ऐसे केसेस ट्रीट करना कितना डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है. तो अब देखते आगे, इफ वी वुड ट्रेस एन एक्यूरेट पिक्चर, देखो सॉल्यूशन दे दिया, इफ वी वुड ट्रेस एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द डिजीज इन ऑर्डर टू बी एबल देयर फ्रॉम टू ट्रीट होम्योपैथिकली विद सक्सेस. ऐसे जो केसेस होते हैं इसको बहुत ही ध्यान से हर, जैसे पेशेंट तो कुछ नहीं बता पाएगा, पेशेंट उस कंडीशन में नहीं, लेकिन उसके हर रिलेटिव से जो साथ में आए या फिर अगर कोई नहीं आया है तो हमें उनको कॉल करना चाहिए, या फिर आप फोन पे वो बात कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली बुला के बात कर सकते हैं. लेकिन क्रॉस करना हर रिलेटिव से, जितने भी उनके क्लोज रिलेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए उन्होंने कहा है कि इफ वी वुड ट्रेस एन एक्यूरेट पिक्चर, तो हमें एक्यूरेट पिक्चर जब तक नहीं मिलता तब तक हमें उसे ट्रेस करना है. यस, सो हाउ टू गो इन सच केसेस इन एफोरिज्म 211, अगेन डॉक्टर हैनेमन सेज द स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट ऑफन चीपली डिटरमाइंस द सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी एज बीइंग अ डेसिडेडली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम. यस, जो डिस्पोजिशन आप देखेंगे दैट इज द डेसिडेटली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स विच कैन लिस्ट ऑफ ऑल रिमेन कंसील्ड. और ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं ये कभी आपके सामने नहीं आएंगे, ये सभी कंसील्ड होते हैं और इसे ढूंढना हमारा आर्ट है. ये आपके नॉलेज पे, आपके गट्स पे डिपेंड है कि इसको कैसे निकालना, फाइंड आउट करना. फिर जब तक ये मिलते तब तक केस को छोड़ना नहीं. सो कंसील्ड फ्रॉम द एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग फिजिशियन. तो आपका इन केसेस में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पेशेंट देख रहे हैं. आप भलाई पूरी हिस्ट्री सुन लो, बाद में लिख लो, क्योंकि आपको पेशेंट को ऑब्जर्व भी करना है. ऐसे केसेस में पेशेंट का ईच एंड एवरी वर्ड जो वो आपके सामने रखी था वो इंपॉर्टेंट है. सो द कंक्लूजन फ्रॉम दिस थ्री एफोरिजम्स, डिस्पोजिशन इज द डोमिनेंट क्वालिटी. देखो, क्योंकि डिस्पोजिशन कहां से आता है, जीन्स. So which distinguishes a person's attitude towards life around. It is a basic reaction, a tendency to act in certain manner under given circumstances.
For example, if a same situation comes, every person will react differently. And his reaction itself will distinguish each person from another. Some can be defined, some mild. This is the undiseased nature. देखो conclusion क्या है कि जो भी disposition हम लेंगे वो कैसा है, undiseased. इसीलिए केस कौन सी भी हो, मेंटल इलनेस हो, वन साइडेड हो, या फिर पैथोलॉजिकल केसेस हो, सोरिक साइकोटिक सेपरेटिव, कौन सी भी केस हो, आपको इंपॉर्टेंस देना है वन. आप प्लीज म्यूट रखिए. So the importance देना है आपको उसके genetic traits, that is the disposition. So Dr. Hahnemann has already said that we have to take the basic genetic picture, the undiseased nature, that is the disposition and reactions. So what is temperament? तो हमें हर केस में टेम्परामेंटल मेकअप कंसिडर करना है. तो टेम्परामेंटल मेकअप में किस तरह से हमें जाना है, किस तरह से देखना है, किस तरह से सिम्टम्स लेना है, तो मेंटालिटी, फिजिकली एंड इमोशनली. तो ये तीन मेन फैक्टर्स होते हैं टेम्परामेंटल मेकअप में. तो मेंटली हमें क्या देखना है, फिजिकली क्या देखना है, इमोशनली क्या देखना है, जिससे हमें जीसीएस मिलेगा. So the mental and physical के लिए हमें देखना है reactions. Emotionally हमें कभी भी जाना नहीं है, emotions को important देना नहीं, क्योंकि emotions feeling से आते हैं. इसलिए feelings are psychotic, always psychotic, and it is because of only neurotransmitters. Yes. So feelings को कंसिडर करेंगे हम, तो वी आर प्रिस्क्राइबिंग फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इट विल ऑलवेज आपके केस को बिगाड़ देगा. सो आपको इंपॉर्टेंस देना है उसके डिस्पोजिशन और रिएक्शन को. और ये जो होते हैं, ये होते हैं जेनेटिक ट्रेट्स, ये आते हैं उसके जेनेटिक कोड से, जीन्स से, राइट. तो यही हमने अभी तक देखा है ये पूरे बुक में. नाउ जीन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स. जीन्स गिव्स डिस्पोजिशन, रिएक्शंस, एंड इट विल लीड टू जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलिमम. दिस इज राइट होम्योपैथी. और अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर्स को देखते हैं, अभी अभी वीडियो देखने के बाद किसी ने बोला था कि स्टेट सिमिलिमम देना है. नो, नेवर. स्टेट सिमिलिमम विल ऑलवेज स्पॉइल योर केस. इसलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देना, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स से आपको, आप उसे क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, लाइक अ ट्रैंक्विलाइजर, एंजियोलाइटिस, जो एलोपैथ हमेशा करते हैं, है ना. तो हमें होम्योपैथिकली उसे प्रिस्क्राइब करना है. तो इसलिए डॉक्टर हैनिमन कहते हैं इन एफोरिज्म 52, देयर आर बट टू प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ क्योर, द वन बेस्ड ओनली ऑन एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ऑन केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्योर एक्सपीरियंस. द होम्योपैथिक बिफोर वी नेवर designately used, yes, and a second which does not do these, the homeopathic or allopathic, each opposes the other, and only he who does not know either can hold the delusion that they can ever approach each other or even become united
or to make himself so ridiculous as to practice at one time homeopathically. At another, allopathically, according to the pleasure of the patient, a practice which may be called criminal treason against divine homeopathy. So, is tarah se agar aap prescribe karte hain on the basis of neurotransmitter, to ye aapke liye bhi aur homeopathy ke liye bhi and patient ke liye bhi danger hoga. Isliye कितना अच्छा डॉक्टर हैनेमन ने कहा है कि ये दो पैथीज है जो एक में के ट्रीटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं. इनके हमने देखा बुक के स्टार्टिंग में कि जो रूल्स है जो दोनों का बेस है वो सेम है, प्रिंसिपल सेम है, लॉज सेम है, बट द मेन डिफरेंस मेजर डिफरेंस इज इन प्रिस्क्रिप्शन. Conclusion, there are but two chief methods of cure, the homeopathic and allopathic, which are exact opposite. They cannot approach each other or unite. Yes. In aphorism 53, the true mild cures takes place only according to the homeopathic method. Yes. Only homeopathically. Homeopathically means on the basis of laws, principles. आप अगर सभी principle homeopathy के follow करते हैं, law of nature follow करते हैं, तो वही method homeopathic method है. Which as we have found by experience and deduction is unquestionably the proper one by which through art the quickest, most certain and most permanent cures are obtained, since this healing art rests upon an eternal infallible law of nature. The pure homeopathic healing art is the only correct method, the straightest way to cure. So, har case mein law of nature, Herring's law of cure, follow hona hi chahiye. Aapka har prescription, cardinal principle ke ko follow karta hi hona chahiye. Yes. So the homeopathy is based on an infallible law of nature and proves itself as the only excellent one. Failures start coming when you go for emotions. Yes. So हमने देखा था कि अगर आप emotions से जाते हैं तो always वहां पे क्या मिलेगा आपको? Failure, suppression, palliation. इसीलिए इमोशंस अवॉइड करना है आपको. अगर केस में समझ में नहीं आ रहा कि इमोशंस कौन से, डिस्पोजिशंस कौन से, रिएक्शन कौन से, तो ऐसे केस में क्या करना, क्योंकि हमें इमोशंस से, फीलिंग से पेशेंट के बचना है. तो ऐसे केसेस में डू नॉट आस्क हाउ यू फील, आस्क हाउ यू रिएक्टेड इन दैट सिचुएशन. तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए. कभी नहीं पूछना कि आपको कैसे लगा, आपको हमेशा पूछना है कि उस कंडीशन में आपने क्या किया. सो इफ वी गिव इग्निशिया फॉर ग्रीफ, स्टेपिसग्रिया फॉर एंगर, दिस विल बी ओनली न्यूरोट्रांसमिटर. तो ऐसा कभी नहीं देना है ना, कुछ होगा इग्निशिया दे दो. नो, पहले देखो कि उस पे उस इवेंट का क्या इफेक्ट हुआ और उस इफेक्ट में उसने किस तरह से रिएक्ट किया. सो कंसीडर द जेनेटिक मेकअप. नाउ हाउ टू प्रोसीड इन ईच एंड एवरी केस. तो आपको कैसे प्रोसीड करना है इन दिस केसेस. सो अंडरस्टैंड द मेकअप.
तो मेकअप में क्या क्या आपको फाइंड आउट करना है, तो मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप, डिजीज्ड मेकअप एंड माइजमेटिक मेकअप. दिस फाइव मेकअप्स विल मेकअप योर रेमेडी. देन जर्नी ऑफ डिजीज, जर्नी ऑफ डिजीज भी फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके फॉलोअप्स की गाइडलाइन देगा, आपके सक्सेस की गाइडलाइन देगा. इसलिए जर्नी ऑफ डिजीज. देन पॉजिटिव फैक्टर एलिमेंट्स फाउंड एंड लास्टली द मायसम. यस, सो दिस इज द करेक्ट वे टू प्रोसीड. नाउ हमारी क्या, हमारी केस क्या बोलती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिम्टम्स, मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप. तो क्या क्या थे, मेंटल मेकअप में क्या था, फिजिकल मेकअप में क्या था एंड जनरल मेकअप में क्या था? पॉजिटिव फैक्टर क्या है उस केस में? तो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल. डिस्पोजिशन क्या है, रिएक्शन क्या थी उसकी? दैट वॉज हैट्रेड, रिवेंजफुल, जलस, इंसैनिटी, टॉक, इरेशनल, इनसेन, बिकम वायलेंट, ब्रेकिंग थिंग्स, लाफिंग इनवॉलंटरी, वीपिंग इनवॉलंटरी, वॉन्डर डिजायर एंड टॉकिंग हरसेल्फ स्वीक. दिस इज द मेंटल नेक. फिजिकल मेकअप, लीन, थीन, टॉल, मीडियम बिल्ट ऑफ बॉडी, डार्क कॉम्प्लेक्शन, रेस्टलेस एक्सट्रीमिटीज, मेंटल टाइप ऑफ फेस एंड जनरल मेकअप. तो ये केस में जनरल मेकअप को इंपॉर्टेंस देना है नहीं देना है? बिकॉज जनरल मेकअप में क्या था, नो सेंस ऑफ appetite, thirst, sleep, desire, aversion, thermal, there is no sense. So इसलिए senses vanished. क्योंकि generals में ये इसमें से किसी भी चीज पे उसका concentration नहीं था, कोई भी चीज उसे समझ में नहीं आती थी. जब खाना बैठ खाने बैठती थी तो इतना खा लेती थी या फिर दो एक एक दिन पूरा खाती नहीं. So there was no sense of appetite, thirst, sleep, desire, aversion. इसीलिए senses vanishes. This is the common and most important rubric for generals. तो ये हो गया उसका mental makeup, physical makeup and general makeup. तो इस तरह से हर केस का आपको analysis करना है. मेंटल मेकअप का चार्ट बनाओ, चार्ट में इस तरीके के कॉलम बना के आप उसके सिम्टम्स लिख सकते हैं. जब ये सिम्टम्स एक जगह आ जाते हैं तो हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन उस केस पे एक्यूमुलेट होता है और पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फिर उस केस की. इसलिए इस टाइप की चार्ट आप बना सकते हैं. मैंने लास्ट केस में आपको जर्नी ऑफ डिजीज का चार्ट दिखाया था कि जर्नी ऑफ डिजीज का भी चार्ट बनाना कितना जरूरी होता है. So, इस केस में जर्नी ऑफ डिजीज क्या था, ओनली सोरा, है ना, सोरिक प्रॉब्लम्स अप टू थर्ड फोर्थ लेयर तक उसे प्रॉब्लम थे. नाउ व्हाट इज द मायसम, क्या मायसम होगा इस केस का? सोरोसिफिलिटी, बट नाउ सी इज इन प्योर सिफिलिटी, राइट? यस. सो द सिफिलिस, what was the layer? Seventh layer. Very good. Now tell me the rubrics. Which rubrics are important? What was his disposition? Moon phase is aggravate? No, it is common. Or मून फेजेस में हर किसी को फर्क पड़ता है, इसलिए
मून फेजेस नहीं लेना कभी भी मेंटल केसेस में तो नेवर मैनिया रिलीजियस ओके और एलिमेंट फ्रॉम कॉरल फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरल यस और आणि हेट्रेड आहे ती हेट्रेड और wandering desire yes wandering anger violent लिखते रहो आप सिम्टम्स लिखते रहो सर मैलिशियस नहीं यूज करता मैलिशियस ओके इसमें उसमें यस अच्छा रूब्रिक है लेकिन मैलिशियस इट इज मोर साइकोटिक एबिजिव आल्सो साइकोटिक डिस्ट्रक्टिव नेचर है सर डिस्ट्रक्टिव नेचर ब्रूटैलिटी क्रुएल्टी ब्रुटैलिटी क्रुएल्टी क्या दिखा उसमें एब्यूसिव यस साइकोटिक एब्यूसिव साइकोटिक सर फैनेटिसिज्म ऐसे केस में फैनेटिसिज्म रिलीजियस को इम्पोर्टेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए क्योंकि जैसे हमने फिजिकल जनरल में देखिए कि उसके सेंसेस ऑल वैनिशेस है तो मेंटल सेंस भी तो उसका गायब है अंडरस्टैंडिंग तो गई है इंटेलेक्ट तो गया है पूरा राइट सर जो रिलीजियस बिहेवियर है जो आउट ऑफ कंट्रोल लगता है ना उसका वन सब्जेक्ट टू अनदर लेकिन फैनेटिज्म रिलीजियसनेस किसे कहेंगे कि जो उस चीज का सेंस रखते हैं जैसे कि जो आतंकवादी होते हैं वो उनके उनके हिसाब से तो वो राइट है ना उनके हिसाब से वो राइट है अपने लिए वो गलत है येस सर त्यांना कळतं आपण ह्या गोष्टीसाठी करतोय पण इला तो सेन्सच नाहीये की आपण कशासाठी बोलतोय दॅट इज फॅनॅटिझम क्योंकि वो उनके धर्म के लिए कर रहे है ना उनकी रिलीजन के लिए कर रहे तो उस रिलीजन के लिए वो मैड हो गए आउट ऑफ कंट्रोल हो गए दॅट इज फॅनॅटिझम मिझेंथ्रोपी सर मिझेंथ्रोपी का मीनिंग क्या है नफरत हो जाना यस नफरत हो जाना वो मिज़ेंट्रोपी मिज़ेंट्रोपी है कि मिसएंथ्रोपी है मिज़ेंट्रोपी ओके और सर ट्रांस क्या ट्रांस ट्रांस में कैसा है कि प्रेजेंट कंडीशन में उसे कुछ समझता नहीं प्रेजेंट कंडीशन में अगर उसको जब वो ट्रांस में होगी तो वो प्रेजेंट कंडीशन में उसे कुछ अंडरस्टैंडिंग रहेगी माइंड का कोई बैलेंस नहीं रहेगा बॉडी का भी कोई बैलेंस नहीं रहेगा दिस इज ट्रांस बट यहां पे क्या था उसने बराबर पिक्चर देख के उसको एनालाइज किया सर सेंसेस वैनिश हे घेऊ शकतो का यस वो तो जनरल रूब्रिक है एक्सक्यूज सर यस एक्सक्यूज मी सर यस प्लीज डिल्यूजन क्रिटिसाइज रो माझी वहिनी मला त्रास देते आई पेक्षा मला जास्त प्रेम द्या क्रिटिसाइज वो डिल्यूजन नहीं था ना वो हुआ ही ना उनका क्वारल हुआ था वो तो बेस था वहां से ही सटक गई ठीक है सर ओके थैंक यू यस वो इवेंट के बाद ही सटक गई पूरी सर डिलीरियस वायलेंस ले सकते हैं डिलीरियस वायलेंस रिलीजियस डिलीरियस वायलेंस डिलीरियस वायलेंस एप्रिसिएशन यस एप्रिसिएशन वन टॉप नो नो साइकोटिक एप्रिसिएशन एलिमेंट्स फ्रॉम गुडनेस सेटिंग
हाँ ले सकते हैं. तो हम देखते हैं अभी स्टेट फोर में डिलीरियम मैनिफेस्ट. यस पार्डन स्टेट फोर में डिलीरियम मैनिफेस्ट. यस डिलीरियम कंडीशन है बराबर है राइट. लेकिन मेंटल कंडीशंस में डिलीरियम डिल्यूजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सर. इंसैनिटी नहीं लेना चाहिए. आई गेला पाहिजे सर. इंसैनिटी घ्यायला पाहिजे का सर. तो देखते हम अभी क्या लेना चाहिए और क्या नहीं. सो द हैट्रेड एंड रिवेंज टॉप इनसेन इरेशनल वॉन्डर डिजायर दीज आर हिज जेनेटिक ट्रेट्स. जो हैट्रेड है ना उसका वो अनडिजीज्ड है क्योंकि डिजीज होने के बाद उसको हैट्रेड आया ऐसा नहीं. वो तो बाय नेचर बचपन से ही उसके अंदर हैट्रेट था इसीलिए वो आफ्टर दैट इवेंट उससे हैट्रेट करने लगी और रिवेंज करने लगी. और जो टॉप इरेशनल था उसका जो आपने देखा वीडियो में दैट वॉज टिपिकल कि क्वेश्चन क्या किया और उसने टॉपिक कैसे किस टॉपिक से किस टॉपिक पे गई कैसे उसका टॉकिंग ये हुआ. दिस इज प्रेजेंट सिम्टम. जो प्रेजेंट सिम्टम है जैसे हनुमान ने बोला कि जो प्रेजेंट सिम्टम आपके सामने दिख रहा है और PQRS है उसे पिकअप करो. और तीसरा मोर सिपिलिटिक है वॉन्डर डिजायर. वॉन्डर डिजायर और ट्रेवल डिजायर में क्या फर्क है. ट्रैवल डिजायर में वो ट्रैवलिंग होता है जहां मंजिल फिक्स होती है डेस्टिनेशन फिक्स होता है कि आपको यहां से वहां जाना है. लेकिन वॉन्डर में नो डेस्टिनेशन इसलिए वॉन्डर इट इज अ सिपिलिटी राइट. यस यस सर. यस देन सेंसेस वैनिश जो उसका फिजिकल जनरल है. एंड आफ्टर दैट हैट्रेड रिवेंज टॉक इरेशनल वॉन्डर डिसाइड टू एंड सेंसेस वैनिश ओनली वन रेमेडी कम्स अप दैट इज लैकेसिस. सो इज इट राइट और रॉन्ग. राइट सर. राइट. So, how does the senses vanishing of Sarpa Sangam? Senses vanishing cha artho hoto ki tila kutlyas prakar cha sense navta. Mentally nahi, physically nahi. Hai na? No sense for appetite, jaise generals. Appetite, thirst, sleep, no sense. No sense for desire, avergence also. That is senses vanishing. Sir, talk irrational. Hai apan mental, mante मेंटल डिसीज मध्ये भरपूर पेशंट टॉक म्हणजे घ्यायला पाहिजे का. कारण की मेंटल डिसीज मध्ये सगळे पेशंट तसेच बोलतात ना इरॅशनल त्याला काही अर्थ नसतो तो. नो बट इट्स अ इरॅशनल कसं होत. हा म्हणजे ते रिलीजियस वरून डायरेक्ट कोणत्या पण सब्जेक्ट. यस यस. जे तुमच्या समोर आहे दॅट इज प्रेझेंटिंग सिम्टम. जे पिकअप करण्यासाठी की जे काही तुमच्या समोर दिसत असेल जे रेअर आहे पिक्युरियर आहे प्युअर आहे ते पिकअप करा. वन साइडेड डिझीज मध्ये डॉक्टर हॅनिमननी सांगितलेलं आहे की वन ऑर टू सिम्टम्स इन प्रेझेंट ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ यू. सो ओनली पिकअप वन ऑर टू सिम्टम्स जे तुम्हाला खूप प्रॉमिनंट दिसतील ते पिकअप करायचे. सो फॉलोअप्स सेकंड फॉलो फर्स्ट फॉलो में सर इथे थर्मल कन्सिडर करायचं आहे का. नो नो वो वॅनिश उसके लिए तो आपने वो रुब्रिक लिया ना.
किती दिवसानंतरचा फॉलोअप आहे?